जन गण मंगल दायक जाया है भारत भाग विदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा रावण उच्छल भंग विंध हिमाचल यमुना गंगा उछल जल तरंग तब शुभ आशीष मांगे गाए सब जाया गाता जन गण मंगल दायक जाया है भारत भाग विदाता जय हे। एक ऐतिहासिक जगह में तो है हमारी पुलिस पोस्ट सिटी रजौरी। तो इसका ये जो मेन जो द्वार है, जो गेट था, वो थोड़ा सा मतलब जो है ख़राब हो रहा था थोड़ी सी, क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई थी। तो इसकी रिपेयर और रिनोवेशन बिल्कुल ज़रूरी थी, जिसमें म्यूनसिपल कमेटी रजौरी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के काम किया और इस काम को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल किया। और आज उन्होंने ये काम जो है यहाँ मुकम्मल किया है। इससे न सिर्फ इस द्वार की जो वैल्यू और इसकी एडिशन हुई है, ब्यूटिफिकेशन हुई है, बल्कि पूरे हमारे जो चौकी है उसके लिए भी एक ब्यूटिफिकेशन का काम इसने किया है। और आने वाले जो भी लोग हैं, वो मुझे लगता है कि जो ऊपर से कभी कोई पत्थर गिर रहा था, कभी सीमेंट गिर रहा था, कभी कोई चीज़ हो रही थी, वो अब नहीं होगी। उनको एक अच्छे से नीट और क्लीन अंदर जो है स्पेस अवेलेबल मिलेगी। और साथ ही इसका टेरेस भी बहुत अच्छे से डिज़ाइन हुआ है और जिसके ऊपर जो है हमने आज नेशनल फ्लैग भी एक होस्ट किया है, उस पर रखा है, तो परमानेंटली यहाँ पर रहेगा। तो इसलिए मैं म्यूनसिपल कमेटी रजौरी का और पूरी उनकी जो काउंसलर हजरात हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने पुलिस के इस काम को प्रायोरिटी पे रखा और मुकम्मल किया। थैंक यू सो मच। मैं अपनी सरकार को मुबारक देता हूँ कि जो प्रोजेक्ट रजौरी काउंसिल ने यहाँ से बना के गवर्नमेंट के पास सबमिट किए थे, वो प्रोजेक्ट रजौरी में वापस आए। और आज आप देख रहे हैं कि जगह जगह पर, चाहे वो पुलिस चौकी हो, चाहे वो तहसील के पास हमारा बलिदान स्तंभ बनना हो, या उसके अलावा हमारे जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, रजौरी काउंसिल उन तमाम पे काम कर रही है। और मैं समझता हूँ कि रजौरी के लोग खुशकिस्मत रहे हैं कि जो काउंसिल्स उन्होंने चुनी थी, जिस पे उन्होंने भरोसा किया था, उसने लगातार अपने शहर की वेलफेयर के लिए काम किया है। आज भी रजौरी के अंदर अगर आप देखोगे तो कई तरह के हमारे जो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, और किसी भी हमारे प्रोजेक्ट पे कोई पैसे की शॉर्टेज नहीं है, कोई ऐसा टेक्निकल इशू नहीं है जो हमने लैग किया हो। इस तमाम जो हमारे बेसिक वर्क्स थे उस पर काउंसिल्स ने मिलजुल के काम किया है। और खासकर मैं अपने ऑनरेबल काउंसिलर पुष्पेंद्र गुप्ता जी को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने इस काम के लिए और यहाँ पे इस तरह के और बहुत सारे जो सिटी के अंदर काम थे, उनके लिए कोशिश की कि हम अपने शहर के अंदर ये तमाम चीज़ें लाएं। देखो, ये बहुत पुराने काम थे और हम देखते थे कि यहाँ पे जब इनसे गुजरते थे या कोई भी हमारे शहर के अंदर आता था तो ऐतिहासिक जो मोनूमेंट्स थे एंशेंट, उनको देखने के लिए वो वहाँ पे विज़िट करता था, चाहे वो तहसील के पास हो, यहाँ हो, या इस तरह की बाकी किसी भी लोकेशंस पे हो। लेकिन जब वहाँ पे हम जाते थे तो जो सात लोग खड़े होते थे, तो जो आने वाले जो पर्सनलिटीज़ थी, तो हमें लगता था कहीं ना कहीं कि हम लैग कर रहे हैं जो हमारी जो डेवलपमेंट है उसको। लेकिन आज ये सारी चीज़ें होने के बाद रजौरी के अंदर ये खूबसूरती का काम भी करेंगी और जो चीज़ें हमारी पुरानी थी, ख़त्म हो रही थी, उनको हम प्रिजर्व भी कर रहे हैं। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से रजौरी के तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, अपनी काउंसिल के काउंसलर्स को मुबारकबाद देता हूँ और पुष्पेंद्र जी को मुबारकबाद देता हूँ। और उम्मीद भी करूँगा कि आने वाले समय भी पुष्पेंद्र जी इसी तरह से, इसी मयार से जो है और डेवलपमेंट के कामों में हमारे काउंसिल का सहयोग जो है वो बढ़ाते रहेंगे। हमारे चेयरमैन साहब ने बताया कि सिटी की ब्यूटिशन के लिए ऐसे जो हमारे हेरिटेज चीज़ें जिनको हम बचा रहे हैं, मैं सबसे पहले अगर दिल से मुबारक दूँ हमारे काउंसलर वार्ड नंबर 11 के पुष्पेंद्र जी को, जिनकी बहुत अच्छी सोच है और बड़ी पॉजिटिव सोच है। और ये यहाँ तक जो आज जिसका आपने उद्घाटन किया, ऐसे प्रोजेक्ट ये शहर के अंदर हर काउंसलर, हमारे 17 काउंसलर हैं, सबको बनाना चाहिए। लेकिन मुझे आज तक यही नज़र नहीं आया। आज हमारे यहाँ और तहसील के बाद जो हमारा एक शहीदी स्तंभ बन रहा है, ये चीज़ें शहर के अंदर बनाना
शहर को जिंदा रखना, शहर को साफ रखना। मैं एक बार फिर म्युनिसिपल कमेटी के पूरी टीम को, खासकर पशुविंदर जी को मुबारकबाद देता हूँ। ऐसे काम आए और ऐसे सब इनसे सीखें कि शहर की ब्यूटिशन के लिए हमें ये काम करने लगे, तभी हम लोग इकट्ठे रहें, एक दूसरे का साथ दें और अपने हिंदुस्तान को और अपने शहर को साफ रखें। शुक्रिया, जय हिंद।